अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डायनामिक्स के वर्क एग्जांपल किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका जो लास्ट में न्यूमेरिक एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि यूनिट के एंड में दिए होते हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1। क्या कह रहे हैं ये कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज। आपको पता है न्यूटन्स के कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। ठीक है, 3 लॉज हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? मोशन से रिलेटेड हैं। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट लॉ को और क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या था कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर क्या ना लगाई जाए, फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो उसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ को बेसिकली कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया वो बॉडी की, वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी ही स्टेट में रहने पर मजबूर कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अच्छा आ जाएं दूसरे पे आ जाते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ये भी आसान है कि किसी भी बॉडी में जितना मैटर होता है वो बेसिकली उसका क्या होता है, वो उसका होता है मास। ठीक है, मास की डेफिनेशन भी यही है। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, एक बॉडी में जितना भी मैटर होता है, मादा होता है, उसकी तादाद को, उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। थर्ड पे आ जाएं, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। आपने स्टूडेंट से एक और टॉपिक पढ़ा होगा मोमेंटम का, जिसको हम कहते हैं पी, और पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। पी को कहते हैं मोमेंटम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पी को कहते हैं हम मोमेंटम। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें मोशन ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, मोशन की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी का जहन में बात आती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब होगी तभी तो मोशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें मोशन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ मोमेंटम, तो इसकी दो डेफिनेशन हैं। एक तो मैथमेटिकली डेफिनेशन आप दे देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, और दूसरी डेफिनेशन आप देंगे, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम, कि जितना ज़्यादा मोशन होगा किसी भी बॉडी में उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? मोमेंटम होगा। ठीक है, अब आ जाएं फोर्थ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइंस दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज़ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स, आपने एक डेरिवेशन की होगी जिसको हम कहते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू, नीचे लिख देता हूँ, m1v1 प्लस m2v2। ये क्या है? ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का मोमेंटम, और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद का मोमेंटम। ये दोनों क्या होते हैं? ये हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स, ना तो मोमेंटम कम होगा या ना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है हमारा वो आंसर है। अब आ जाए 5 पे, क्या कह रहे हैं 5, तो उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 5 कह रहे हैं ये, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। आपको पता है स्टूडेंट्स, एक होता है मास, थोड़ा थोड़ा समझाते हुए जाऊं मैं, और एक होता है वेट। ठीक है, मास मेजर किया जाता है किससे? फिजिकल बैलेंस से। और वेट मेजर किया जाता है किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। तो कह रहे हैं कि वेट जो है स्प्रिंग बैलेंस से क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। इट डिफर्स फ्राम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन वेट, जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है? डिफ़र करता है। कहीं पे कुछ होगा, या फिर माउंटेन पे चले जाएँ वहाँ पे कुछ होगा, ज़मीन पे आ जाएँ कुछ वेट होगा, ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, वेट का फार्मूला अगर आपको याद हो, W इज इक्वल्स टू एम जी, तो वेट बेसिकली डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहे हैं ये? ये कह रहे हैं कि इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट, ठीक है, देन अ फुल वन, बिकॉज द फिल्ड कार्ट हैज़ मोर मास देन द एम्प्टी वन। अब ये कह रहे हैं कार्ट एक बॉक्स है, ठीक है, ये अगर खाली है
तो इसको धक्का देना, इस पे फोर्स लगाना इंतहाई आसान होता है। बट जब ये भरा हुआ हो, ठीक है, जब ये फिल्ड अप हो तो इसको फोर्स लगाना, इसको मतलब मोशन में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? आपको पता है जितना ज़्यादा मास होगा इस डब्बे का, इस कार्ट का, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ यहाँ लिख लें, ग्रेटर फोर्स ग्रेटर मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज़्यादा तो फोर्स भी स्टूडेंट्स ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। अब ये है नेक्स्ट पेज और ये है MCQ नंबर 7। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये? ये कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ी है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एक पढ़ी है आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख लें, पेटल, और दूसरी जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सर्किल होता है और टूवर्ड्स द सेंटर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सर्किल से बाहर की तरफ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और ये 2024 के पेपर में भी आई थिंक ये आया था ये MCQ। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रिक्शन अपोजिस मोशन बिटवीन टू बॉडीज़। फ्रिक्शन पता है रगड़ को बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जो रगड़ जो होती है, फ्रिक्शन जो होती है, दो बॉडीज़ की मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। अपोज का मतलब ये आपको पता है, अगेंस्ट में जाती है। जैसे ये बॉक्स है, इसको आप रगड़ के ये आगे की तरफ फोर्स लगा के लेके जाएं, तो जो फ्रिक्शन होगा ना, जो रगड़ की फोर्स होगी, वो कहाँ लग रही होगी, पीछे लग रही होगी, ये आपको पता है, ठीक, सही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगती है, मोशन इस तरफ हो रहा है और फोर्स कहाँ लग रही है, फ्रिक्शन इधर लग रही है। तो कह रहे हैं ऐसा होता क्यों है, फ्रिक्शन अपोजिस मोशन, फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज करता है, क्यों? क्योंकि भाई इसका जो जवाब है ना वो है सी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ही प्लेन सरफेसेस हैं और दो रफ सरफेसेस हैं, खुरदुरे, तो दोनों में फ्रिक्शन किस में ज़्यादा होगा, प्लेन में फ्रिक्शन कम होगा, होगा ज़रूर लेकिन कम होगा, और जो खुरदुरे सरफेसेस हैं उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाएं, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग, जैसे बॉक्स है, ये एक टेबल पर रखा हुआ है, अभी ये बॉक्स चल नहीं रहा, ठीक है, ये बॉक्स रुका हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये स्टैटिक, अभी स्टैटिक किस फॉर्म में है, स्टैटिक के फॉर्म में, ये रुका हुआ है, सही है, रेस्ट फॉर्म में। तो अब क्या होगा, अभी भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ऐसे फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी किस में होती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जब बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी क्या कर रही हो, रोल कर रही हो। आपको पता है फुटबॉल हो गई, बॉल हो गई, ये क्या करती हैं, रोल करती हैं। और इसी तरह एक फ्रिक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइड का मतलब आपको पता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्टूडेंट्स, इन सब फ्रिक्शंस में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है ना, वो किसकी होती है, वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। किसकी होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की होती है। तो इसका जो आंसर है, ज़रा पढ़ें इसको, पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है रोलिंग से, स्लाइडिंग से भी ज़्यादा होता है, काइनेटिक से भी ज़्यादा होता है, तो इट मीन्स कि हम ऑप्शन डी ले लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है ऑल आर ट्रू। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहे हैं ये ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास टू, क्या लिखा हुआ है, 25 किलोग्राम, ठीक है, ये दिया हुआ है मास, एक क्रेट का मास दिया हुआ है कितना, 25 किलोग्राम, ठीक है, अक्रॉस अ लेवल ग्राउंड। ये एक क्रेट है, ठीक है, ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जो मास है वो कितना है, 25 किलोग्राम है, और इस पर फोर्स लगाई जा रही है इस तरफ, फ्लैट से कितनी है, 60 न्यूटन। तो यहाँ हम लिख लेंगे फोर्स जो है 60 न्यूटन है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ कि जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में लग रही है स्टूडेंट्स, राइट पे फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा
बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। मोशन हो रहा है सीधे हाथ पे राइट की तरफ, लेकिन जो फ्रिक्शन हो रहा होगा वो किस तरफ हो रहा होगा, लेफ्ट की तरफ। अब ये कह रहे हैं कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑफ 20 न्यूटन, ये फ्रिक्शनल फोर्स इन्होंने दी हुई है, 20 न्यूटन की फोर्स है एक्ट ऑन द स्लेज, ठीक है, स्लेज पे लग रही है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज, स्लेज का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहा गया है इन्होंने, ये पूछा गया है इनको कि एक्सेलरेशन निकालें स्लेज पे। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है, अब ज़रा इसको गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे देखें मास दिया हुआ 25 किलोग्राम, और फोर्स दी हुई है कितनी दी हुई है 60 न्यूटन, जो सीधे हाथ पे लग रही थी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये कितनी लग रही है 20 लग रही है, यहाँ एफ ये छोटा एफ कर लें, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। अब बताना है एक्सेलरेशन कितना है। तो स्टूडेंट्स दो फोर्सेस थोड़ी चाहिए हमें, हमें तो एक फोर्स चाहिए, और वैसे बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ़ इज़ इक्वल्स टू एम ए होता है, ये तो आपको पता ही है। हमें ए निकालना है तो एम मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके एफ़ के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सी फोर्स पुट करें, सवाल ये पैदा होता है। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो फोर्स लगाई है 60 न्यूटन की वो इस तरफ लगाई है, ठीक है, और इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो 20 की लग रही है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को क्या करवाते हैं, माइनस करवाते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर एक ही डायरेक्शन में होती ना, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ऐसी सूरत में प्लस होती फोर्सेस, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो हम क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे बिगर फोर्स जो कि 60 थी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, छोटी फोर्स, सही है, और नीचे आ जाएगा एम इज इक्वल्स टू ए। तो 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय एम की वैल्यू कितनी है, 25 है, और 60 में से 20 का 40, और 40 को 25 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस तरह चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डायनामिक्स ऑफ क्लास 9 फिजिक्स के MCQs कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।